नमस्कार, मैं अजय भरतिया आप सबके सामने आज फिर एक विषय लेकर आया हूं, कैसे हम लोग प्रकृति की ओर लौट सके। आज का विषय आपको मालूम है, बेडरूम में राक्षस, बेडरूम में दुश्मन। आप कहेंगे कैसे बेडरूम में दुश्मन, चौंकिए मत, वास्तव में हमारे बेडरूम में भी दुश्मन है। जिस प्रकार हमारी हवा दूषित हो चुकी है, हमारा पानी दूषित हो चुका है, हमारा भोजन दूषित हो चुका है, जिसके कारण हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज एक विषय जो लेके आया हूं वो है हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट, मच्छर भगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स। इस प्रकार के जो केमिकल बाजार में बिकते हैं आप लोग जानते हैं, और जो एक गोल गोल एक मच्छर बत्ती भी बाजार में बिकती है, आपको शायद मालूम है कि वो भयंकर खतरनाक जहरीले तत्वों से बनी हुई होती है, बनाई जाती है, और उसको जलाने से मच्छर मर जाते हैं। और मच्छर तो मरते हैं लेकिन साथ ही साथ वो रात भर आपकी सांसों के साथ घुल के आपके फेफड़े तक पहुंचती है, और फेफड़े में पहुंचने के बाद वो आपके रक्त में मिलकर पूरे शरीर में रक्त के द्वारा संचालित होती है। और केवल फेफड़े में नहीं पहुंचती, वो हवा के माध्यम से, सांसों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में भी पहुंचती है, हमारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क के विकास को भी वो रोकती है। लेकिन हम इस धीमे धीमे जहर को वर्षों से लेते जा रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं, आप प्रयोग करके देखिएगा, आपके घरों में जो मॉस्किटो रेपेलेंट आप यूज करते हैं, आप देखिएगा प्रयोग किए शुरू में 5-10 दिन तो मच्छर भाग रहे थे, उसके बाद मच्छर नहीं मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो मच्छर होते हैं वो भी इस प्रकार के इन मॉस्किटो रेपेलेंट से इम्यून हो चुके होते हैं। हमें इन चीजों को भगाने के लिए या इन कार्यों को करने के लिए भारत में अनेकानेक प्राकृतिक विधियां अपनाई जाती रही है। उन प्राकृतिक विधियों को अपनाना चाहिए। सर्वप्रथम तो यदि उपलब्ध हो सके तो देसी गाय के गोबर के कंडों पर, यदि आपका बड़ा घर है, खुला घर है, तो नीम के पत्ते जलाइए। नीम के पत्ते यदि उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो आप वन तुलसी, आपने देखी होगी वन तुलसी को भी गोबर के कंडों में जलाते हैं तो बहुत अच्छी महक भी फैलती है और साथ ही मच्छर भी भागते हैं। वन तुलसी के बजाय आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, लेमन घास के पत्तों को भी आप उसमें डाल सकते हैं और उनसे भी भागते हैं। ये तो हुआ कि धुआं करने का, मान लीजिए आप धुआं नहीं कर सकते हैं तो हमारे कई कार्यकर्ता आजकल इस प्रकार की नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट भी बना रहे हैं। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको ये निशुल्क सिखाएंगे, निशुल्क बनाने का तरीका या किस प्रकार उपलब्ध हो सकती है ये पवित्रम गौ सेवा परिवार आपको उपलब्ध करवाएगा, बनाने का तरीका बताएगा, ताकि आप खुद अपने घर में मॉस्किटो रेपेलेंट बना सके, खुद अपने घर में मॉस्किटो रेपेलेंट जला सके, और वो भी नेचुरल तरीके से, ताकि आपके बच्चों को मस्तिष्क के विकास में दिक्कत ना हो, घर के बड़े बुजुर्गों को दिक्कत ना हो, जवान व्यक्तियों को तो कम दिक्कत होती है, बूढ़ों और बच्चों को इसके कारण दमे जैसी भयंकर प्रॉब्लम होने की और दमे के बाद ये कैंसर तक का घातक रोग बनने की संभावना इन मॉस्किटो रेपेलेंट के कारण होती है। 24 घंटे में लगभग हम लोग 7-8 घंटे सोने का काम करते हैं और उस 8 घंटे लगातार इस मॉस्किटो रेपेलेंट की जहरीली हवा आपके नाक के माध्यम से, हवा के माध्यम से आपके पूरे शरीर में रक्त में मिलकर के संचरित हो रही होती है, जो आपके लिए घातक है। और एक वर्ष में वो जितना घातक प्रभाव आपके शरीर में जा रहा है, यदि वो एक साथ एक दिन में दे दिया जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाए, इतना घातक उसका प्रभाव है, फिर भी हम लोग जाने अनजाने में। और दूसरी बात है विकल्प के अभाव में, क्योंकि कोई स्वदेशी, कोई प्राकृतिक विकल्प आपके पास नहीं था, अब हम लोगों ने ये प्रयोग करना आरंभ किया है, इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप भी जुड़िए, आप भी सीखिए और भी इसमें धीरे धीरे प्रयोग करते जाएंगे और इसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रकृति की ओर बढ़ना है, हमारी प्रकृति ने सारे संसाधन दिए हैं आपके जीने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, उन प्राकृतिक संसाधनों को हमें खोजना है और उनसे जुड़ना है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9874594199। इस नंबर पर संपर्क करिए, संस्था का नंबर है और इस पर कभी भी जुड़ सकते हैं। मूल लक्ष्य है हमें अपनी प्रकृति की ओर लौटना है, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना है, हमें अपने आप की ओर लौटना है, तभी हम देश को बचा पाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफस्टाइल में घुस गई है वो हमें बर्बाद कर रही है, हमें किस प्रकार विनाश कर रही है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन चीजों के चक्रव्यूह से, इसके विशियस सर्कल से, इसके मायाजाल से जब हम निकलेंगे तब समझ में आएगा कि हम कैसा जीवन जी रहे थे, हमारा नेचुरल जीवन किस प्रकार हुआ करता था, हमारे दादा परदादा, हमारे
पुरखे भीम और अर्जुन जैसे बलवान क्यों हुआ करते थे, किस प्रकार होते थे और आज हम इतने बलहीन और बीमार क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है हम प्रकृति से भाग रहे हैं। तो इस प्रकार की मॉस्किटो रिपेलेंट आप बनाना सीखिए या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमसे जुड़िए, संपर्क करिए, मैं आपको एकदम प्राकृतिक तरीकों से बताऊंगा ताकि किस प्रकार हम लोग प्रकृति की ओर बढ़ सके। नमस्कार।